हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मीनाक्षीज फूड मैजिक पर। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, बस 5 मिनट में ये यमी डेजर्ट बन के रेडी हो जाता है। ये जितना दिखने में यमी है, उतना ही बनाने में इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेने हैं ब्रेड के 4 स्लाइस। मैंने एक अभी स्लाइस लिया है। इसको एक कटोरी की हेल्प से हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, कटोरी को ब्रेड के ऊपर रखना है और उसको थोड़ा दबाना है। उस कटोरी को अच्छे से दबा देंगे। दबाने के बाद आप देखेंगे कि आपका ब्रेड एक राउंड शेप में कट हो चुका है। बस इसी तरीके से हमें बाकी सभी ब्रेड्स को कट करना है एकदम राउंड शेप में। और ये बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने एक ब्रेड को कट कर लिया है, बाकी ब्रेड्स को भी हम सेम तरीके से कट करेंगे। सभी ब्रेड्स को हमने राउंड शेप में कट कर दिया है। अब एक पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन होना चाहिए, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो टेस्ट अच्छा लगे। मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे ये घी में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं घी यूज़ करती हूँ। और साथ ही में हम उसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून के करीब शुगर। हमें सिर्फ 4 की, हमने 4 पीसेस लिए थे ब्रेड के, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 4 टेबलस्पून शुगर उसमें ऐड कर दिया। अब इस शुगर को हमें घी के साथ में अच्छे से मिक्स करना है लो फ्लेम पर, ठीक है। हमें इस शुगर को बेसिकली मेल्ट करना है। देखिए हमारी शुगर कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, घी के साथ मिक्स हो गई है। बस इसी टाइम पर हमें ब्रेड को इसमें डालना है। मैं आपको बता दूं कि आप इसको हाथ से टच बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत गर्म होती है, इसीलिए आप इसको स्पून से यूज़ कीजिएगा। अच्छे से मेल्ट होने के बाद अब जो हमने पीसेस कट करके रखे थे ब्रेड के सर्कल शेप में, हमें 1 by 1 करके वो इस शुगर के ऊपर से रख देने हैं, जिससे कि ये जो मेल्टेड शुगर है ये हमारे ब्रेड के पीसेस में अच्छे से लग जाए। साथ ही में इसको पलट देंगे, जिससे कि बैक साइड में भी ये मेल्ट की हुई शुगर लग जाए। और इनको अच्छे से लो फ्लेम पर हम पका लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इनका जो कलर है वो एक अच्छा गोल्डन में ना आ जाए। तो दोनों साइड से हमें इन्हें पकाना है। अगर आपको लगता है कि ये चिपक रहे हैं थोड़ा सा, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, जिससे कि जो ये चिपक रहे होंगे नीचे बेस पर, उस पर ये चिपकेंगे नहीं घी डालने से। अब हमें इन्हें दोनों साइड से पकाना है घी के साथ में। आप उसमें थोड़ा और घी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इनको दोनों साइड से पका लेंगे और पलटते रहेंगे, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएंगे। आप ये देखिए, पलटने पर एक बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें दिख रहा होगा आपको, ये गोल्डन होनी स्टार्ट हो गई है। अब ये बिल्कुल रेडी हो रही है सर्व करने के लिए, बट हमें अभी बैक साइड से भी इनको करना है। देखिए पलट देते हैं, पलटने पर अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। अब ये एकदम रेडी है हमारी सर्व करने पर, और हमें ये पूरा प्रोसेस लो फ्लेम पर करना है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएगा। अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए मैंने सभी 4 पीसेस को रख दिया है प्लेट में, और इसकी गार्निशिंग करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, कुछ बादाम, किशमिश और बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। आप देखिए ये रेसिपी कितनी इजी है, जितनी इजी है खाने में उतनी ही यम्मी लगती है। आप इसको पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डेजर्ट, और ये बहुत यम्मी रेसिपी है। कमेंट में बताइएगा।